पाचन तंत्र में कल हमने देखा था मुख गुहा में पाचन। आज हम पाचन तंत्र के दूसरे चरण में आमाशय यानी कि पेट में होने वाले पाचन के संदर्भ में देखेंगे। मुख गुहा के जो पीछे का हिस्सा होता है उसे फैरिंग्स कहते हैं। फैरिंग्स से दो छिद्र होते हैं जो क्रमशः गले से होते हुए नीचे को जाते हैं। इन दो छिद्रों को, पहला छिद्र है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस वह छिद्र है जो ब्रोंकस से होता हुआ लंग्स यानी कि फेफड़े की ओर जाता है। दूसरा छिद्र है गलेट। गलेट वह छिद्र है जो फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाता है। फेरिंग्स में इन दो छिद्रों के वहां को कंट्रोल करने के लिए एक फ्लैप होता है जिसे इपिग्लॉटिस कहते हैं। इपिग्लॉटिस क्या करता है, जब हम बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा से भोजन को निगलते हैं तो इपिग्लॉटिस ग्लॉटिस वाले अर्थात फेफड़े को जाने वाले स्थान को रोक देता है, जिससे भोजन सीधे स्टमक यानी कि आमाशय में जाता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। यदि खाते समय हम बात करते हैं तो जो भोजन होता है वह ग्लॉटिस के द्वारा श्वास नाल यानी कि ब्रोंकस में जा सकता है। तो इपिग्लॉटिस को ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं, क्योंकि यह भोजन को ग्लॉटिस में न जाने देकर गलट यानी कि ईसोफेगस द्वारा स्टमक में भेजता है। मुख गुहा से चबाया हुआ भोजन गलट, उससे होता हुआ ईसोफेगस, ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में चला जाता है। मनुष्य का जो स्टमक होता है वह जे आकार का थैलेनुमा एक स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे पसलियों के नीचे पाए जाने वाले डायफ्राम के ठीक नीचे बाईं ओर स्थित होता है। जो मनुष्य का आमाशय होता है उसके तीन भाग होते हैं। ये जो तीन भाग होते हैं ये हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। पहला भाग आमाशय का कार्डियक पार्ट होता है, दूसरा पार्ट फंडिक पार्ट होता है और तीसरा पार्ट पाइलोरिक पार्ट होता है। अर्थात मनुष्य का आमाशय जो होता है वह तीन भागों में बटा होता है। जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है जिसे कार्डियक पार्ट कहते हैं, ये ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप से जॉइंट होता है। इस जगह पर एक कार्डियक स्पिंटर लगा होता है, यह भोजन को वापस फूड पाइप में जाने से रोकता है। बीच वाला भाग यानी कि फंडिक पार्ट, ये सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग आमाशय का 80% भाग बीच वाला भाग होता है। तीसरा भाग पाइलोरिक पार्ट होता है, जो आगे को स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत से जुड़ा होता है। यहां पर भी एक पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है, जो कि एक बार आमाशय से जब भोजन छोटी आंत में चला जाता है तो उसे वापस आने से रोकता है। इस प्रकार हमने आमाशय में देखा किस प्रकार ये स्पिंक्टर जो होते हैं, जिन्हें अवरोधनी कहते हैं, वे भोजन को एक दिशा में ले जाने में सहायक होते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि आमाशय में भोजन का पाचन होता किस प्रकार से। मनुष्य के आमाशय में विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, जिन्हें जठर ग्रंथियां यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड मनुष्य के आमाशय के अंदर के स्तर पर पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक विशेष प्रकार का रस, पाचक रस जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, वह निकलता है। यह पाचक रस जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य है लगभग 99% जल पाया जाता है। इसमें म्यूकस यानी कि सिरेस पाया जाता है, इसमें HCL पाया जाता है और इसके अतिरिक्त इसमें जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं वो सब के सब निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम इसके पाचक रसों पर कुछ प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला जो पाचक रस है वह इसके अंदर पाया जाता है HCL,
जिसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जठर रस का जो HCl होता है उसकी pH वैल्यू 1 से लेकर 3 होती है। इसका अर्थ यह है कि यह बहुत प्रबल अम्ल है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब इतना प्रबल अम्ल जठर रस में पाया जाता है तो क्या वह हमारे आमाशय यानी कि पेट को नुकसान नहीं पहुंचाता है? इसका उत्तर यह है कि जो हमारा आमाशय होता है उसकी जो भीतरी सतह होती है उसमें म्यूकस यानी श्लेष्म का मोटा आवरण होता है, जिस कारण यह HCl आमाशय की भीतरी सतह को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। यह HCl हमारे जो मुख गुहा से जो भोजन हमारे आमाशय में आया है उसमें उपस्थित बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त HCl आमाशय में जो जठर रस है उसमें उपस्थित जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। अब पहला एंजाइम को हम लेके चलते हैं, पेप्सिनोजन। HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। और बच्चों इस चीज का ध्यान रखें, पेप्सिन एंजाइम कभी भी आपको सुनने को मिले तो आप ये समझ लेना कि यह प्रोटीन पर वर्क करता है। तो जैसे ही निष्क्रिय पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है यह भोजन में आए हुए प्रोटीन के अवयवों को तोड़ देता है अर्थात उनका पाचन करना शुरू कर देता है। इसके अतिरिक्त दूसरा एंजाइम प्रोरेनिन वह भी HCl की उपस्थिति में सक्रिय रेनिन में बदल जाता है। यह रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन जिसे केसीन कहते हैं उसको दूध से अलग करके दूध को फाड़ देता है और दूध को अर्ध दही में कन्वर्ट कर देता है। दूध को दही करने के पीछे कारण यह है, इससे भोजन कुछ देर आमाशय में रुक जाता है। और बच्चों यहां पर एक चीज गौर करने लायक है कि रेनिन एंजाइम जो होता है वह सिर्फ बाल्यावस्था में पाया जाता है, वयस्क मनुष्य के आमाशय में रेनिन का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त एक और एंजाइम जिसे गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं जो कि भोजन में उपस्थित वसा को तोड़कर उसका पाचन करता है। जब पेट में भोजन होता है आमाशय में भोजन होता है तो उस समय एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं पेरिस्टलेसिस। इस प्रोसेस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इस प्रोसेस में आमाशय फूड पाइप इन ऑर्गन्स के अंदर संकुचन होता है, जिसमें क्या होता है क्रमाकुंचन गतियां होती हैं और भोजन जो होता है वह चर्निंग यानी कि घूमता है पेट में। इस प्रकार भोजन के क्रमाकुंचन गतियों से जितने भी पाचक रस होते हैं वह इस भोजन में अच्छे प्रकार से मिल जाते हैं। जब आमाशय में भोजन में प्रॉपर चर्निंग यानी कि प्रॉपर रस मिल जाते हैं अब इस समय आमाशय में उपस्थित भोजन को काइम कहते हैं। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है, उसके पश्चात भोजन पाइलोरिक स्पिंटर से होता हुआ क्रमशः आगे छोटी आंत को चला जाता है। भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन के अवयव हैं उनका अधिकतम पाचन आमाशय में हो जाता है। कल हम तीसरे पार्ट में आगे के पाचन को पढ़ाएंगे।